बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान संकट पर यह बड़ी अहम खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर खतरा, अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता गिरी, बाइडेन के फैसले पर लगातार उठ रहे सवाल, सुपर पावर का ताज भी अमेरिका से छिन जाने का खतरा। सर्वे यह बता रहा है कि जो बाइडेन की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है तालिबान एपिसोड के बाद, और यह इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि अमेरिका का दबदबा, उसका डंका जो अभी तक दुनिया में बजता रहा है, क्या उस तरफ भी कमी आ रही है? और अगर ऐसा है तो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और उसमें हिंदुस्तान की स्थिति कैसे देखी जानी चाहिए? सवाल यह है कि सर्वे में सवाल क्या थे और उसके जवाब में कितने रेस्पोंडेंट्स ने क्या कहा है और उससे क्या तस्वीर साफ होती है। अफगानिस्तान संकट के बाद कितनों को पसंद है बाइडेन, अब यह देखने के लिए चलते हैं अफगानिस्तान में संकट के बाद बाइडेन आखिर कितनों की पसंद है बाइडेन। ऐसा कहने वाले कुल रेस्पोंडेंट्स में से 41%, नापसंद कहने वाले ज्यादा 55%, और ऐसा कहने वाले कि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सिर्फ 4%। मतलब क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि बहुतायत उन लोगों की जो बाइडेन को इसलिए नापसंद कर रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के पूरे मसले को बहुत नौसिखिए की तरह हैंडल किया है, और ये अगर ऐसा है तो जाहिर है बाइडेन के लिए, अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। सवाल नंबर दो भी देख लीजिए, सवाल नंबर दो क्या कहता है। सवाल नंबर दो भी यह साफ कर देता है कि बाइडेन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का तरीका कितना सही, बहुत बुरा, पूरे रेस्पोंडेंट्स में से 44% कहते हैं कुछ हद तक बुरा, 30% ऐसा कहते हैं कि कुछ हद तक बुरा है लेकिन बाकी ठीक है, और कुछ हद तक ही अच्छा कहने वाले 21% है कि मतलब ये अच्छा तो है लेकिन इसमें खराबी ज्यादा हुई है 21%, और बहुत अच्छा कहने वाले 5%। लेकिन इसमें आप देखें बहुत बुरे तरीके से इस फैसले को लिया गया और अमल में लाया गया। ऐसा कहने वाले अगर 100 आप यूनिवर्स मान रहे हैं तो 44% उसमें यह कह रहे हैं कि ठीक तरीके से कतई हैंडल नहीं किया गया, और अगला, और अगर इसमें वो भी मिला लें जो कह रहे हैं कि जो हैंडल किया गया उसमें अच्छा पार्ट कम और बुरा पार्ट ज्यादा है, उस 30 को भी मिला लें तो ये 74% हो जाएगा, और यह स्टैगरिंग बड़ा चंक है। अब देखिए अफगानियों की जान बचाने में अमेरिका ने क्या किया, ये एक और सवाल। सर्वे क्या दिखाता है इस बारे में, अफगानियों की जान बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका लगातार ये कहता रहा कि अफगानिस्तान के वो लोग जो अमेरिकियों के साथ खड़े थे और वहां की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम की बहाली चाहते थे, उनको हम सुरक्षा देने का काम करेंगे। इस पर रिस्पोंडेंट्स क्या कहते हैं, बहुत कम मदद की गई उन लोगों की, 59% लोग ऐसा कहते हैं, कुछ हद तक मददगार लेकिन वो बहुत कम हद, ज्यादातर वो बेसहारा ही छोड़े गए, ऐसा कहने वाले 27%, और बहुत ज्यादा मदद की गई ऐसा कहने वाले 14%। मतलब यहां भी आप अगर 59 के साथ इस 27 को जोड़ दें तो ये बहुत बड़ा चंग बन जाता है। अब अगर यहां तक स्थितियां ये दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान का फैसला लिया गया और जैसे अफगानिस्तान से ट्रूप विड्रॉल किया गया वो निहायत बचकाना था, उसमें निश्चित रूप से दिखाई दे रहा था कि कोई सोच समझ अप्लाई नहीं की गई, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क ऐसा कर सकता है क्या? अमेरिका जहां हर बात को 4-5-6 या हर मुमकिन तरीके से, हर नजरिए से देखने की कोशिश होती है और उसमें सबसे बेहतर अमेरिका के हित में क्या हो सकता है यह करने की कोशिश की जाती है, वहां इतना ऐसा कदम जिसकी पूरे दुनिया में जिसको नौसिखिया कहा जा रहा है वो क्यों किया जा सकता है? क्या कोई डील हुई है? पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, क्या हुआ सुपर पावर को लेकर, यह जो नजरिया है क्या दिखा रहा है सर्वे का? देखिए नजरिया ये दिखा रहा है कि अगर अमरीकी चाहते थे, जनता, उनकी जनता चाहती थी कि अफगानिस्तान से निकले तो वो जायज है, पर जो निकलने का जो तरीका है वो जायज नहीं है। जिस तरह से वो निकले हैं, जिस तरह से उन्होंने जो अशरफ गनी सरकार को, जिस तरह से उन्होंने उनके पीठ पीछे तालिबान से समझौता किया, अब तालिबान से समझौता दोहा में जब कर रहे थे ट्रंप साहब ने शुरू किया था, ये लेजिटिमेसी दे दिया ट्रंप को और दुनिया को और सबको बता दिया कि हम तालिबान वापस आ रहा है इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं, और डेट भी तय कर दिया कि हम इस तारीख पे निकल जाएंगे। और क्या चाहिए था तालिबान को? तालिबान को तो यही चाहिए था
तालिबान को जो इन्होंने ये सारे कार्ड्स दे दिए, तालिबान को पता चल गया कि अमेरिका अब जाने वाला है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ तो बाइडेन साहब ने वही पॉलिसी अपना ली ट्रंप, क्योंकि पहले तो वो ट्रंप के बाकी पॉलिसीज को हटा रहे थे, कई पॉलिसीज, पर इस पॉलिसी पे वो अड़ गए। अब लोग कहते हैं कि वो हमेशा उनकी सोच भी ऐसी थी, ठीक है, कि क्यों हम अफगानिस्तान में हम बेफजूल वहां कर रहे हैं, राइट। पर ये जो तरीका है, इन्होंने डेट दे दिया, सब कुछ दे दिया, अशरफ गानी सरकार के पीठ पीछे कर दिया, तालिबान के जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया, वो तुरंत तालिबान में जाकर ज्वाइन कर गए, तो इस तरह की बातें हो रही थी। अगर वो कहते हैं कि तो क्या सर, इसको नक्शे में ऐसा समझा जाए, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और अगर इसमें सारे बिट्स एंड पीसेस को जोड़ लिया जाए तो क्या जो बॉटम लाइन है वो ये है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कोशिशें की थी उस पूरी की पूरी कोशिश को पलीता लगा गया या डिसीजन, शशि अस्थाना जी? हाँ बिल्कुल, ये जो डिसीजन है, क्योंकि उस समय जब 9/11 में ये लोग आए थे उस समय इनका एक मकसद था कि अफगानिस्तान में कोई भी टेरर ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो उनके मेन लैंड को स्ट्राइक कर सके, और आज 20 साल के बाद हम देखते हैं कि वो हालात फिर पैदा हो रहे हैं जहां पर इन टेररिस्ट ग्रुप के पनपने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि वो इस हद तक पनप सकते हैं कि उनके मेनलैंड को स्ट्राइक कर सकते हैं। पहली ये सामरिक गलती थी। दूसरी सामरिक गलती थी, जैसा कि अभी मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि तालिबान से बात करते ही दो चीजें हुई। सबसे पहले उनका लेजिटिमाइजेशन हो गया, तालिबान रिजुविनेट हो गया, एनर्जी आ गई उसमें, और अमेरिका जो थकी हुई फौज थी जिन्हें लगा था कि भाई अब हम जा रहे हैं, डेट फिक्स हो गई, तो अब वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो उसके बाद में तालिबान ने, और दूसरी चीज क्या थी कि इनका तरीका, जो ये बेस में रह के हवाई जहाज ड्रोन से लड़ाई करके आप रूरल एरिया नहीं जीत सकते, वहां का टेरेन ऐसा है। इन्होंने, तालिबान की स्ट्रेटजी अच्छी रही, उन्होंने रूरल एरिया गेन किए, और पाकिस्तान ने जो डबल गेम किया अमरीका के साथ, और अमेरिका पाकिस्तान को पनिश नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ी सामरिक गलती है, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को मदद की, उनके लोगों को समझाया, उनके लोगों को बचाया, उसके बाद में टेररिस्ट भी भेजे अपने वहां पे, उसके बाद उनकी मदद भी की, सामान से, स्ट्रेटजी से, हर चीज से, इंटेलिजेंस से, और पाकिस्तान की जो ये दोहरी हरकत थी कि उनको वो लोग हथियार भी देते गए, पैसे भी देते गए, वो जो है मेरे विचार से अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। ठीक है सर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।